हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग आसाम सीई 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, कैसे चेक करेंगे वो बताऊंगा। आसाम का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप पूरे आसाम में एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में, उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे चेक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म तो खैर पहले ही स्टार्ट हुआ था, अब रिजल्ट रिलीज हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स को सही तरीका नहीं मालूम होता है, गलत तरीके से रिजल्ट चेक करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कितनी आसानी से आप आसाम सी 2020 का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को इंस्टेंटली सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है आसाम सीई से रिलेटेड। देखिए, बात आज की नहीं है, बात है अगले कुछ सालों तक, जब तक आप पढ़ाई करेंगे। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवाज होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होती हैं, आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, आपके प्लेसमेंट्स होती हैं, आपके जॉब के बारे में जानकारी, आपका स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से सर्च करेंगे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत तरीके से चेक करेंगे गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सही तरीके से चेक करें, और वही आप भी चाहते होंगे डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है, और वहाँ पर आपको लिखना है आसाम सीई 2020, और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां आसाम सीई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आसाम सीई 2020 रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहां पे आप देख सकते हैं आसाम सीई रिजल्ट डिक्लेयर, यानी आसाम सीई का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। किस दिन डिक्लेयर हुआ, 28 सितंबर 2020, यानी आज के दिन डिक्लेयर हुआ है आसाम सीई का जो रिजल्ट है। आसाम सीई का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और पहले ही प्रोविजनल आंसर की आई थी 21 सितंबर को, उसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, स्टूडेंट्स ने देखा था इस आंसर की को, और सारे स्टूडेंट्स ने मैच किया था आंसर की। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करना है। और उससे पहले आपको बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आसाम का हूँ तो आसाम पे क्लिक करूँ, आप कहीं और के हो सकते हैं, आसाम के कहाँ के हैं, तो मैं आसाम के दिसपुर में रहता हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने ज़िले का नाम लिखना होगा। अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, आसाम के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ। दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस दे सकूं। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग पर क्लिक करूँगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है। 12th पर क्लिक करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, आसाम सीई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ ये फॉर्म भर दिए, जिससे आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन। जहाँ पे क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन ये तीनों होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने धैर्य, विचार, विमर्श, आदर्श, सौहार्द, पुरुषार्थ से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप ये फॉर्म भर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम सीई का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, प्रोविजनल आंसर की पहले निकला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसाम का सीई का रिजल्ट है वो डिक्लेयर है, क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट। उससे पहले गुड न्यूज़ आपको बता दूँ कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है, जिसमें बेनेट यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और जेरी गोयनका, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पर एडमिशन लें आज के आज, क्योंकि रीज़न है 500% प्लेसमेंट रेट, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे, कॉलेज के नज़दीक वाले बच्चे आएंगे, जो आजू बाजू रहते हैं, जो आसपास रहते हैं, वही आएंगे, और कोई आएगा नहीं आएंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे हमारे देश के हर स्टेट से बच्चे आते हैं, हर स्टेट से ही नहीं, दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जब आप दूसरे लड़कों, दूसरे देशों के फॉरेनर लड़के लड़कियों के साथ आप जब पढ़ते हैं, तो आपको मालूम चलता है आप किस लेवल पे हैं, आपका उनके साथ
कल्चरल एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होता है। आप फॉरेन लड़की लड़कियों के साथ आप सोते बैठते जागते पढ़ते लिखते खेलते कूदते सब कुछ करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलता है ना वो शायद ही किसी आसाम के रीजनल कॉलेज में मिले नहीं मिलेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करके किसी न किसी एक में आपको लेना चाहिए। चलिए तो रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नया टाइम में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम सीई 2020 रिजल्ट डिक्लेयर, यानी रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आसाम सीई की मिल जाएगी। ओके तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना है आपको, यहाँ पे ए टू जेड हर एक इन्फॉर्मेशन आसाम सीई से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, डेट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, प्रोसेस क्या है, कट ऑफ के बारे में ईच एंड एवरीथिंग दिया गया है। तो जैसे इसमें ऊपर जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आसाम सीई रिजल्ट। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है, अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है जस्ट सिंपली कट इट, अगर नहीं भरे तो इंस्टेंटली आपको भरना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे, मैं जूम कर देता हूँ 150%, यहाँ पे आपको क्या है आपको रैंक कार्ड मिलने वाला। ओके कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीटेक एडमिशन प्रोग्राम स्टेट ऑफ आसाम सीई बोलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिए, एप्लीकेशन नंबर वही लिखना है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको मिला था, कुछ भी गलत नहीं लिखना। कई बार स्टूडेंट्स गलत गलत एप्लीकेशन नंबर लिखते हैं, अपने बोर्ड का एप्लीकेशन नंबर लिखते हैं, नहीं ये एप्लीकेशन नंबर लिखना है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त मिलता है। यहाँ पे पासवर्ड लिख दीजिए, पासवर्ड वही लिखना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त क्रिएट किया था। इस तरह से आपको चेक करना है, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका रैंक कार्ड आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है आसाम सीई 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।